हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को जो पता चल चुका होगा कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश बीएड का जो एंट्रेंस रिजल्ट है वो जो आ चुका है, जिसका जो आपको बहुत दिनों से जो इंतज़ार था, क्योंकि यहाँ पे जो HPU के अनुसार जो 10 तारीख को जो रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन आपको बताइए कि वेदर कंडीशन ठीक ना होने के कारण जो हमारा रिजल्ट जो डिले हो गया। तो रिजल्ट जो आ चुका है, आपने रिजल्ट देख लिया होगा कि कितने मार्क्स हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको मैंने एक व्हाट्सएप नंबर जो वो सजेस्ट किया था कि आप जो वो इस नंबर पर जो वो व्हाट्सएप करके जो वो PDF में चेक कर सकते हैं। वैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो इस नंबर पर जो वो व्हाट्सएप करिए 9882825608, यहाँ पे लास्ट में 8 भी है, 9882825608 पर जो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको जो PDF भेज दी जाएगी। तो इस वीडियो में जो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जो आप रिजल्ट देख सकते हैं, ये जो PDF फाइल है, डेट भी यहाँ पे 14 की है, आज 15 है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए नेम ऑफ कैंडिडेट, रोल नंबर है सबसे पहले, फिर नेम ऑफ कैंडिडेट है, फादर नेम है, कैटेगरी है, स्ट्रीम है और मार्क्स है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अगर इस मैं बोलूँ कि PDF को जो मैंने थोड़ा सा एनालाइज़ किया, तो मैं जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो वो बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आप जो वो अपनी जो भी आपकी स्ट्रीम है, जो भी कैटेगरी है, उसको देखते हुए आप जो वो काउंसलिंग के लिए जो वो फॉर्म फिल करें, ठीक है। तो मैं जो वो डिटेल में जो आपको बताऊंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो वो सरकारी जो भी सीटें हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और धर्मशाला, ये दो ही सरकारी है, तो यहाँ की ही हम लोग जो यहाँ पे बात करेंगे। बाकी आपको बताइए कि अगर आपको प्राइवेट में जो वो लास्ट में जो वो एडमिशन मिल ही जाती है, अगर आप जो वो पास हो गए हैं तो। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा, जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत एनालाइज़ किया, हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो जाए, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया मुझे इसको देखने में थोड़ा सा। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारे HPU में जो वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में जो वो सीटें हैं लगभग 100 सीटें हैं, तो जिसमें कि 50 जो वो हमारी नॉन मेडिकल की सीटें हैं, ठीक है, और 25 जो वो हमारी मेडिकल की है। अब यहाँ से जो आप एक आइडिया लगा लो कि किसकी जो वो कितनी कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि सभी की जो वो सेम नहीं रहने वाली है। मैं लास्ट में जो एक अप्रॉक्स एक एस्टिमेट बताऊंगा कि इससे आगे अगर आपके नंबर हैं तो जो आप फिर जो वो काउंसलिंग के लिए जो वो अप्लाई कर सकते हो बड़े आराम से। तो अगर हम बात करें 50 नॉन मेडिकल की है, 25 मेडिकल की है, और 25 जो वो हमारी आर्ट्स और कॉमर्स की सीटें हैं, तो टोटल हो गई हमारी 100 सीटें, ठीक है। मैं फिर से बता दूँ एक बार, हमारा HPU में जो वो टोटल है 100 सीटें, जिसमें से जो वो हमारी नॉन मेडिकल की जो वो 50 सीटें हैं, मेडिकल की जो वो यहाँ पे है 25, ये हो गई 75, 25 बच्ची जो कि हमारी आर्ट्स एंड कॉमर्स से रिलेटेड है 25, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ धर्मशाला की, तो धर्मशाला की जो टोटल सीटें यहाँ पे ज़्यादा है, 250 सीटें हैं यहाँ पे, जिसमें से जो नॉन मेडिकल की जो वो सीटें हैं 100, मेडिकल की हैं 50, अगर मैं आपको कॉमर्स और आर्ट की बताऊं तो यहाँ पे बचेगी फिर 50 कॉमर्स और आर्ट की दोनों मिला करके, ठीक है। तो ये हमारी सीटों का जो वो बताया मैंने कि सीटें जो वो कहाँ कहाँ कितनी है। अगर मैं रिजल्ट के बारे में बताऊं तो यहाँ पे जो वो मुझे लगता है मैक्सिमम, जैसे कि मैंने देखा, अगर कोई छूट गया हो बीच में तो थोड़ा सा हो जाता है गलती कई बार, तो माफ़ करना, ठीक है। अगर मैं बताऊँ कि यहाँ पे जो वो टॉपर, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स या बॉयज़, दोनों 50-50 बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम मेडिकल और कॉमर्स का देखें तो मुझे लगता है कि टॉप जो वो गर्ल ने की है, मतलब लड़कियाँ जो मेडिकल और कॉमर्स में जो टॉप पोजीशन पर है, ठीक है। मैं बताऊंगा उनके नाम भी अगर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा जल्दी से। फिर से नॉन मेडिकल और आर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जो बॉयज़ ने टॉप किया है, ठीक है। नॉन मेडिकल मतलब मैथ्स में जो बॉयज़ आगे हैं, मैथ्स में जो और मेडिकल में जो गर्ल्स आगे हैं, कॉमर्स में गर्ल्स और यहाँ पे जो आर्ट में बॉय, ठीक है। अगर मैं टॉपर की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अरुण है कोई, ठीक है, जिनके जो 117 मार्क्स हैं, ठीक है। मतलब कि मैं यहाँ पे नाम नहीं बताऊंगा अब, ठीक है, आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि 117 के आसपास का जो वो टॉपर कोई बनता है, ठीक है। अगर मैं इसके पिछले की बात करूँ तो 114 होगा, फिर इसके पीछे जो वो मुझे लगता है कि 112 जो वो ये जो यहाँ पे टॉप पोजीशन पर नंबर है हमारे। तो अगर इनको देखते हुए जो वो देखिए, पहले तो माना जा रहा था कि हमारा जो पेपर है वो काफ़ी कुछ एक क्वेश्चन थे जो कि खतरनाक लेवल वाले क्वेश्चन थे, लेकिन थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो ईजी भी थे, ऐसा नहीं था कि एक मॉडरेट लेवल का जो हमारा पेपर था। तो उसी हिसाब से जो आपकी मेरिट भी जाएगी। देखिए, तो हमारे टॉपर जो वो अगर 117 के आसपास अगर टॉपर बैठा है तो मुझे लगता है कि हमारी सीटों का अगर डिवीज़न होगा तो जो वो कैसे कैसे होगा, मैं जो एक एक करके आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पहले अगर मैं बताऊँ यहाँ पे कि 110 से आगे जो वो, अगर मैं यहाँ पर ना सबसे पहले नॉन मेडिकल की जो बात करूँ, नॉन मेडिकल की ही सबसे पहले बात करते हैं, नॉन मेडिकल, तो नॉन मेडिकल कि अगर मैं 110 से आगे वाले बात करूं तो मुझे लगता है कि 15 के आसपास वो स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनके जो 110 से आगे मार्क्स हैं।
अब बोलेंगे इतने कम है, देखिए इतने कम नहीं है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैरिज जो इस बार कितनी हाई जाने वाली है, 110 से आगे जो 15 के आसपास जो स्टूडेंट है। अब अगर नॉन मेडिकल की सीटें जहाँ पे कम है, जैसे कि HBU में तो नॉन मेडिकल की जो वो 50 सीटें हैं, धर्मशाला में जो वो थोड़ी ज़्यादा है 100 है, तो धर्मशाला में थोड़ी सी जो वो कम जो वो कट ऑफ जाने वाली है। अगर हमें जो वो बात करूँ, सबसे पहले नॉन मेडिकल की बात करते हैं, मैं जो वो एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ अब कि कैसे कैसे, थोड़ा सा एनालिसिस मैंने बताया कि कैसे कैसे मैंने यहाँ पे डेटा लिया है। नॉन मेडिकल की बात बताऊँ, HBU की पहले बात करते हैं। HBU में जो सबसे पहले तो मैं जनरल कैटेगरी को रखूँगा, फिर उसके बाद मैं जो जनरल के साथ जो वो जो भी EWS वाले हैं उनको रखना चाहूँगा, और इसके बाद जो वो फिर OBC हो गया, ये इसी सीक्वेंस में हो गया। मैं ज़्यादा नहीं लिखूँगा तो आप जो वो अगले वाले में फिर समझाइए, मैं जल्दी जल्दी से अब बताने वाला हूँ। OBC के बाद जो वो SC लीजिए, फिर जो वो अच्छा SC जो वो लास्ट में रखते हैं ना, OBC के बाद ST लेते हैं, ST फिर जो वो SC, ठीक है। ये जो वो हमारी 5 कैटेगरी होने वाली है। अगर मैं यहाँ पर बात बताऊँ जनरल कैटेगरी की, तो देखिए मुझे लगता है कि 105 के आसपास जो वो इसकी मेरिट जाने वाली है, ठीक है। आप बोलेंगे इतनी ज़्यादा, देखिए क्योंकि हमारे देखिए नॉन मेडिकल है तो बहुत सारे जो नॉन मेडिकल में होते हैं, आपको बताएं यहाँ पे नॉन मेडिकल थोड़ा सा मुझे लगता है कि गला ख़राब हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ। 105 के आसपास जो ये मुझे लगता है कि जाने वाली है, ठीक है। अगर मैं EWS की बात करें तो यहाँ पे जो एक दो नंबर जो वो कम करके 103 के आसपास मैंने इसको रखा। अगर मैं OBC की बात बताऊँ तो 102, और अगर मैं ST की बात बताऊँ तो यहाँ पे 98 के आसपास जा सकती है, 98 प्लस रखी है, ठीक है, या एक दो नंबर पीछे भी हो सकता है क्योंकि मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। SC का जो वो 95 के आसपास रख सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल बताऊँ यहाँ पे HBU में जो नॉन मेडिकल की जो कितने रहने वाली है, तो मुझे लगता है कि 95 से आगे ही जाने वाली है, ठीक है। बाकी मतलब अगर आपके मार्क्स वो 95 से आगे हैं तो जो आप अप्लाई कर सकते हैं बड़े आराम से। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और जो अगर मैं नीचे चला जाऊँ, थोड़ा और गिर जाऊँ, तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि क्योंकि एक्सपेक्टेड हो, तो अगर आपके 90 के से आगे हैं, तो अगर आप नॉन मेडिकल में हैं और 90 से आगे हैं, तो भी जो आपके चांसेस यहाँ पे थोड़े बहुत हैं, तो आप भी जो एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो ये तो ही नॉन मेडिकल की बात, वो भी HBU में। अगर मैं यहाँ पे नॉन मेडिकल की जो बात बताऊँ, कहाँ पर, धर्मशाला में, ठीक है। तो धर्मशाला में जो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले जनरल की, मैं पहले नॉन मेडिकल की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आ जाएगा जनरल के साथ EWS, क्योंकि EWS जनरल वालों के लिए है। OBC आ जाएगा, फिर आ जाएगा फिर से ST, फिर आ जाएगा SC। यहाँ पे जो वो थोड़ी सी मैं बताऊँ कि जनरल वालों के लिए जो वो लगभग 103 प्लस जो रह सकती है, और यहाँ पे जो EWS वालों का जो दो नंबर में कम रख रहा हूँ, 100 प्लस रह सकती है। यहाँ पे 98 हो गया, और आगे जो वो 95 या आगे जो वो फिर 92। तो मैंने बोला कि 90 से आगे अगर आपके मार्क्स हैं तो आप जो वो आपके चांसेस जो वो हैं। अगर मैं यहाँ पे आर्ट्स की बात बताऊँ, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, तो यहाँ पे अगर मैं HBU बताऊँ पहले, अब सीक्वेंस वैसे ही रहेगा। सबसे पहले मैं जनरल बताऊँगा, फिर जो वो EWS बताऊँगा, फिर OBC, फिर ST, फिर SC लास्ट में, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने धर्मशाला लिख दिया, एक HBU लिखा मैंने और एक जो वो धर्मशाला लिखा। देखिए अब मैं आर्ट्स की बता रहा हूँ जो एक्सपेक्टेड रह सकती है, क्योंकि आर्ट्स का ऐसा है कि सीटें भी कम होती हैं, तो आपकी जो कट ऑफ है वो भी ज़्यादा जाने वाली है। अगर मैं HBU की बात बताऊँ तो मुझे लगता है कि 108 के आसपास वो रहने वाली है, 108 प्लस रख दी है, ठीक है। और दूसरा जो वो 105 मैंने रख दिया, और तीसरा जो वो 103 में रख रहा हूँ, और यहाँ पे जो वो बाद में 100 और 98 के पास जो आप लास्ट में ले सकते हैं, या 98 या 96 के आसपास जो आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं धर्मशाला की बात बताऊँ तो यहाँ पे थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि धर्मशाला में सीटें ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 102 प्लस, और यहाँ पे ले लिया मैंने 100 प्लस, और यहाँ पे ले लिया मैंने 98 प्लस, और यहाँ पे रख रहा हूँ मैं 95, और आगे रख दिया मैं 93 प्लस, ठीक है। ये आर्ट्स वालों के लिए है, ये धर्मशाला और HBU, ठीक है। अगर आप जो नॉन मेडिकल से है तो पहले वाला देखिए, अगर आप जो दूसरी कैटेगरी मतलब EWS भी है तो एक दो नंबर कम कर लीजिए। तो ओवरऑल अगर मैं फिर से बताऊँ तो 90 प्लस ही जाने वाली है, इतना मैं जो पूरे कन्फर्मेशन के साथ जो कह सकता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि इस बार रिजल्ट में अच्छे मार्क्स जो देखने को मिले हैं। अगर मैं कमर्स वालों की बात बताऊँ यहाँ पे थोड़ी सी, तो कमर्स वाले जो हैं, मुझे लगता है कि कमर्स वाली मैंने बताया था लड़की जो टॉप पर है, उसका नाम शायद श्वेता है, आप एक बार चेक कर लीजिए, श्वेता 112 मार्क्स है मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर मैं HBU की बात बताऊँ यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा आ जाएगा धर्मशाला। HBU की यहाँ पे जो क्योंकि कमर्स वाले हैं, थोड़ी सी इनकी कम रहने वाली है, ठीक है। तो HBU में जो मुझे लगता है कि 95 प्लस वो यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। बाकी यहाँ पे 92 प्लस सेकंड EWS वाला, मैं HBU की बात कर रहा हूँ। बाकी आगे जो वो 90, फिर आ जाएगा 85, फिर जो वो यहाँ पे 83, ठीक है। और अगर मैं धर्मशाला की बात बताऊँ तो यहाँ पे थोड़ा सा और गिरने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 90 प्लस रख लिया,
और यहाँ पे 87, क्योंकि देखिए ये इतना कम क्यों जा रहा है, आप बोलेंगे इतना कम क्यों जा रहा है, सीटें कम है तो ये तो बहुत ज़्यादा जाना चाहिए। देखिए इतना कम इसलिए जा रहा है क्योंकि ये जो वो इनके बहुत कम मार्क्स हैं, ये जो कॉमर्स वाले हैं ना, ये ज़्यादा मार्क्स नहीं लिए हैं इन्होंने, तब जो ये आंकड़ा कम नीचे नीचे चला जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसी कारण 87 हो गया, फिर जो मैं 84 रखना चाहूँगा, फिर मैं जो 80 रखना चाहूँगा, और आगे जो मैंने फिर 78 रखना चाहूँगा। या यहाँ पर मैं ओवरऑल बोलूँ कि कॉमर्स वालों के लिए जो वो यहाँ पे जो भी लास्ट कैटेगरी है, जैसे कि ST वाले हैं, SC वाले हैं, वो जो वो 75 से आगे भी है मार्क्स उनके, तो उनके भी चांसेस हैं, ठीक है, इसमें कॉमर्स वाले में, क्योंकि कॉमर्स वालों ने जो वो ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेंट मार्क्स वो इनके थोड़े से कम है। अगर मैं मेडिकल की बात करूँ तो मेडिकल का तो भाई हाई रहने वाला है, क्योंकि मेडिकल में जो आपको पता है टॉप पर जो वो स्मृति है, और स्मृति के जो वो मेरे ख्याल से 117 मार्क्स है, ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स है, सबसे ज़्यादा जो वो मतलब यही है, ठीक है, 117। मैंने पीछे शायद किसी और का नाम तो नहीं बता दिया, शायद आप चेक कर लीजिए, स्मृति के शायद 117 है, एक बार फिर से चेक कर आप कर सकते हो। चेक क्यों करना है, मैं आपको नाम जान करके जो वो क्या करना है, आप जो वो 117 ऐसे मान लो कि ये जो वो सबसे हाईएस्ट है, तो यहाँ पे मैं HPU लिखा और दूसरा जो वो धर्मशाला। सबसे पहले जनरल की बात करूँ तो यहाँ पे जो वो ज़्यादा जाने वाली है 102 के प्लस मैंने यहाँ पे रख दिया, अगर मैं दूसरा रखूँ तो यहाँ पे धर्मशाला में सीटें ज़्यादा है, तो यहाँ पे 100 प्लस जो वो हो सकता है आंकड़ा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो वो 100 आ गया, और यहाँ पे मैंने 97 कर दिया, फिर जो वो यहाँ पे मैंने 94 कर दिया, 84 कर दिया, और यहाँ पे 80 के आसपास वो मैंने रख लिया। अगर मैं यहाँ पे 100 बताऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा 96 के आसपास, और यहाँ पे 92, और यहाँ पे 87 के आसपास वो मैं रखना चाहूँगा लास्ट। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ मेडिकल वाले, तो मेडिकल वाले अगर आपकी आपके जो मार्क्स हैं वो जो 80 प्लस है, तो जो आप काउंसलिंग के लिए जो वो अप्लाई करें अच्छे से आपके चांसेस हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि मैंने बोला 80 प्लस तो उनका पड़ेगा ही पड़ेगा, हो सकता है कि दो नंबर आगे पीछे हो जाए, हो सकता है 75 के भी पड़ जाए, ठीक है। बाकी जैसे गर्ल्स हैं तो उनको भी जो रिजर्वेशन मिलता है, तो इस तरह से जो आप अपना जो चेक कर सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया कॉमर्स का, नॉन मेडिकल का बता दिया मैंने, मेडिकल का बता दिया, आर्ट्स का मैंने बता दिया आपको, एक्सपेक्टेड है सब कुछ, ठीक है। एक्सपेक्टेड का मतलब है अप्रॉक्स बता रहा हूँ, लगभग जो वो इतनी जा सकती है। तो यहाँ पे जितना मैंने बताया, अगर मैं सबका ओवरऑल बताऊँ कि कितनी जो जाने वाली है, तो मुझे लगता है कि अगर नॉन मेडिकल की चेक, सॉरी हाँ जनरल कैटेगरी, फिर चाहे वो कोई सा भी स्ट्रीम हो, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात बताऊँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मुझे लगता है कि आपके मार्क्स वो 90 प्लस तो होने ही चाहिए, 90 से कम जो आपका मार्क्स पड़ने के बहुत कम चांसेस हैं। अगर आप जो जनरल के साथ जो EWS भी है, तो जो आप भाई एक दो नंबर कम करके जो आप देख लो, अगर इससे कम है तो बड़ा मुश्किल है सरकारी में नंबर पड़ना। अगर मैं इसके बाद OBC की बात बताऊँ, तो OBC वालों के लिए थोड़ा सा 85 पर मैं रखना चाहूँगा, या 85, हाँ ठीक है 85, ठीक है। फिर जो वो ST रखना चाहूँगा मैं 80 प्लस, और यहाँ पे SC आ गया फिर 75 प्लस। तो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल इसका बताऊँ तो 75 प्लस में जो आपको पड़ सकता है, मैंने आपको बीच में बताया कि जैसे जो भी आपका कॉमर्स स्ट्रीम है, यहाँ पे जो वो हो सकता है आपके आपके मार्क्स वो यहाँ पे, मतलब कि आपके मार्क्स कम हो लेकिन आपका नंबर जो वो बड़े आराम से पड़ सकता है। तो ये जो वो कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताई, तो इसी के साथ दिस इज़ द एंड। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, बाकी जब फाइनल कट ऑफ आएगी तो हम लोग जो बात करेंगे, और जब भी जो वो काउंसलिंग के लिए जो भी जैसे फिल करेंगे तो आपको तब भी बता दिया जाएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल NCERT क्लासेस 2.1 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू एंड गुड नाइट, बाय बाय।